आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चरण कमल, चरण कमल में समास है। कौन सा समास है चरण कमल में? कर्मधारय। याद रखिए, चरण कमल में कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास। चौराहा में समास है, चौराहा में द्विगु समास है। चारहों का समाहार यानी द्विगु समास। सप्त सप्त ऋषि, सप्त ऋषि मत कौन सा समास है? द्विगु समास। यथा रुचि में अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? यथा आ रहा है, अव्ययी है यानी यथा रुचि समास। यथा जिसमें यथा आएगा वो अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो याद रखिएगा आजन। आजन क्या है? अव्ययीभाव समास है। राजकुमार तत्पुरुष है, यज्ञवेदी है, ग्रामवासी, ये तीनों क्या हैं? तत्पुरुष समास है। आजन्म क्या है? आजन अव्ययीभाव समास है। देखिए, निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? तो देखिए, लड़का भूख से अधमरा हो गया था, इसमें कर्मधारय समास है। इस पंक्ति में कर्मधारय समास है। शेष बी सी डी में अधमरा कर्मधारय समास है, लेकिन बी सी डी पंक्तियों में द्वंद समास है। कौन सा है? द्वंद समास है। ऊंच नीच बुरा भला नहीं है, इसमें कर्मधारय समास है यानी अधमरा में कर्मधारय समास है। भला बुरा ऊंच नीच दिया बाती है, कौन सा है? द्वंद समास है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा रॉन्ग दिया है लेकिन आंसर इसका है। गुरुदेव शब्द में समास है, कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। वारहसिंगा में शब्द में समास है, बहुव्रीही समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीही समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेत पत्र। कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेत पत्र। परमानंद में समास है, कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? कर्म कारक समास नहीं है, बाकी सब समास हैं। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद समास। याद रखिएगा, द्वंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। याद रखिएगा, दिमाग बैठा लीजिए। किस समास में प्रथम पद संख्यावाचक या और अंतिम पद संज्ञा होती है? याद रखिएगा, जब संख्यावाचक की बात करेगा तो द्विगु समास होगा, द्विगु समास होगा। महाजन शब्द में समास है, महाजन। याद रखिएगा, कर्मधारय समास है। क्या कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है। अगर जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होगा, आंख मुदिएगा, मारिएगा, बहुरी समास। ठीक है, चलिए। जल मग्न शब्द में समास है, तत्पुरुष समास। वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीही समास है। पंचवटी शब्द में समास है, द्विगु समास है। कौन सा समास है? पंचवटी में द्विगु समास है, क्योंकि पंचवटी संख्या का बोध करा, इसलिए यहाँ द्विगु समास होगा। ब्रजपाणी, ये देखिए, किसी तीसरे का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ बहुव्रीही समास होगा ब्रजपाणी में। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे घास फूस क्या होगा? द्वंद समास है। याद रखिए, घास फूस द्वंद समास है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा बहुव्रीही समास का उदाहरण है? तो शूल पाणी, चक्र पाणी, ये सब क्या है? बहुव्रीही समास है। चतुरानंद, ये सब बहुव्रीही समास है। कौन सा द्विगु समास है? तो याद रखिए, चतुर्भुज। चतुर्भुज क्योंकि इसमें चतुर्भुज आपका बहुव्रीही भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बहुव्रीही नहीं द्विगु पूछा है। माखन चोर तो होगा नहीं, कुछ दंड भी नहीं होगा, भला बुरा, तो यहाँ चतुर्भुज होगा। प्रतिदिन शब्द में समास है, अव्ययी भाव समास। याद रखिएगा, प्रतिदिन में कौन सा है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जो पहला पद होता है अव्यय होता है। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो, उसे समुदाय का बोध होता हो, तो उसे कहते हैं द्विगु समास। कहते हैं द्विगु समास संख्यावाची जहाँ रहेगा, द्विगु समास जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो,
तो उसे कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास, याद रखिएगा, विशेषण और विशेष्य की बात होगी तो क्या होगा, कर्मधारय समास। जिस समास का में दूसरा पद दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, गुरु भाई में समास है, रेखांकित में समास है गुरु भाई, तत्पुरुष समास। लड़की चौलड़ी पहने हैं, चौलड़ी पहने हैं, रेखांकित में समास होगा द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। चलिए आगे चलते हैं। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं, जब दोनों पद प्रधान होने की बात होगी तो द्वंद्व समास, याद रखिए। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास कहते हैं। कोई पद प्रधान नहीं होता क्या होगा? बहुव्रीहि समास। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। धनुर्बाण, धनुर्बाण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास। शोकाकुल, याद रखिएगा, शोकाकुल तत्पुरुष समास है। शोकाकुल कौन सा? शोकाकुल तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। अकाल पीड़ित कौन सा समास है? तत्पुरुष है। अकाल पीड़ित और शोकाकुल तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जय पराजय में कौन सा है? जय पराजय की बात होगी तो द्वंद्व समास होगा। कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा, याद रखिएगा। कर्णकुट्टी, कर्णकुट्टी शब्द का समास है। कौन सा समास है? कर्णकुट्टी का, कर्णकुट्टी का तत्पुरुष समास है। सिंह द्वार शब्द में समास है, तत्पुरुष समास है। कोषाकार में समास है, तत्पुरुष समास। कोषाकार में, कोषकार, सॉरी, कोषकार में तत्पुरुष समास है। यथोचित में, यथोचित में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। यथोचित में अव्ययी भाव समास है। नरभक्षी, नरभक्षी में कौन सा समास है? नरभक्षी में तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा। नरभक्षी में तत्पुरुष समास है। नीलांबर, नीलांबर बहुव्रीहि समास, नीलांबर जाएगा, ठीक है, बहुव्रीहि समास होगा। सप्तऋषि, अब ये देखिए, सप्तऋषि द्विगु समास है। कौन सा समास है? सप्तऋषि द्विगु समास है। कौन सा समास है, याद रखिएगा? सप्तऋषि द्विगु समास है। द्विगु समास। नीलो, नीलोत्पलम मतलब क्या हो जाएगा? में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। नीलो उत्पलम में कर्मधारय समास। धनंजय, धनंजय में समास होगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। मनमाना में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। मनमाना में कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। कतर व्योत में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। जय पराजय में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। जय पराजय में द्वंद्व समास। लाभ हानि में इनमें से कोई नहीं, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। लाभ हानि में क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, याद रखिएगा। लंबोदर में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास। तिरंगा में द्विगु समास होगा, तिरंगा में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास। परमानंद शब्द में कर्मधारय समास, याद रखे, बहुत बार पूछता है परमानंद में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, परमानंद में कर्मधारय समास, रिपीट कर रहा है ये बार बार, याद रखते रहिएगा। निम्नलिखित में द्वंद्व समास है, पाप पुण्य, द्वंद्व समास है। यथा रुचि में समास है, अव्ययीभाव समास है, अव्यय आ रहा ना यथा, तो क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। उपकुल में कौन सा समास है? उपकुल, ये भी अव्ययीभाव समास है। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए, अव्ययीभाव समास। चौराहा का समास बताइए, चौराहा का समास हो जाएगा द्विगु समास। और निर्विवाद का हो जाएगा कर्मधारय, निर्विवाद, निर्विवाद का समास हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास।
निम्नलिखित तत्पुरुष समास का उदाहरण है आत्मनिर्भर, क्या होगा आत्मनिर्भर। चंद्रशेखर शब्द में समास है बहुव्रीही समास, क्या होगा बहुव्रीही समास। चंद्रशेखर शब्द में समास है बहुव्रीही समास। निम्नलिखित में द्विगु समास है, द्विगु समास है तिरंगा। चौराहा कौन सा समास है, द्विगु समास है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, क्या होता है संक्षेप। दशानंद में कौन सा समास होगा, दशानंद में बहुव्रीही समास होगा। कौन सा समास होगा बहुव्रीही। रोग पीड़ित में समास होगा तत्पुरुष समास, रोग पीड़ित में तत्पुरुष समास। प्रतिमान में अव्ययी भाव समास, क्या होगा प्रतिमान में अव्ययी भाव समास। वीर पुरुष, वीर पुरुष में क्या कौन सा समास होगा तत्पुरुष समास। रसोई घर में तत्पुरुष समास, रसोई घर में तत्पुरुष। नील गाय, नील गाय में होगा याद रखिएगा कर्मधारय समास। पीताम्बर में बहुव्रीही समास, पीताम्बर पीत है अंबर जिसका वह है विष्णु, तो क्या हो जाएगा बहुव्रीही समास हो जाएगा। पंचवटी द्विगु समास। घनश्याम कर्मधारय समास, घनश्याम घन श्याम, घनश्याम में कौन सा समास होगा घनश्याम में द्विगु समास होगा। घनश्याम में कौन सा होगा कर्मधारय समास, सॉरी कर्मधारय होगा, कर्मधारय घनश्याम। पीताम्बर में बहुव्रीही समास, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास। जब दो समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो ये शब्द होते हैं, ये शब्द क्या कहलाएंगे बहुव्रीही समास के। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए उसे बहुव्रीही समास कहते हैं, याद रखिएगा। थोड़ा टिपिकल है, टिपिकल क्वेश्चन है। अनायास में समास है नए, अनायास में नए समास है नय, नज या नय, नय नय। चंद्रशेखर बहुव्रीही, चंद्रशेखर बहुव्रीही समास है। दिन रात द्वंद्व समास है, दिन रात कौन सा समास है द्वंद्व समास है। भाई बहन द्वंद्व समास है। दशमुख बहुव्रीही समास है, बहुव्रीही दशमुख बहुव्रीही समास है। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। देशभक्ति तत्पुरुष समास है, देशभक्ति में कौन सा पुरुष होगा तत्पुरुष समास होगा। हस्तलिखित में कौन सा समास होगा तत्पुरुष। त्रिनेत्र में कौन सा होगा त्रिनेत्र, बहुव्रीही समास होगा। त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा बहुव्रीही समास होगा। त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा बहुव्रीही समास होगा। त्रिनेत्र में बहुव्रीही समास हो जाएगा। भरपेट में कौन सा होगा भरपेट, अव्ययी भाव समास आनंद मग्न, याद रखिएगा आनंद मग्न बहुत इम्पोर्टेंट है। आनंद मग्न मतलब तत्पुरुष समास, फिर आनंद मग्न है ये भी क्या होगा तत्पुरुष समास। वनवास, वनवास तत्पुरुष समास। पंचवटी द्विगु समास, कौन सा समास होगा द्विगु समास। पीताम्बर कौन सा समास होगा बहुव्रीही समास, पीताम्बर क्या होगा बहुव्रीही समास हो जाएगा। पीताम्बर क्या होगा बहुव्रीही समास होगा, पीताम्बर क्या होगा बहुव्रीही समास होगा। और नरोत्तम, नरोत्तम हो जाएगा तत्पुरुष समास। आजन, आजन हो जाएगा बहुव्रीही समास, सॉरी आजन हो जाएगा अव्ययी भाव समास, आजन हो जाएगा आजन हो जाएगा अव्ययी भाव समास। धनहीन क्या होगा, धनहीन हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। स्वर्गत, स्वर्ग स्वर्गत, स्वर्गत हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, स्वर्गत हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तकालय होगा, पुस्तकालय में कौन सा समास होगा तत्पुरुष समास। दशानंद में बहुव्रीही समास, बहुव्रीही समास, दशानंद में बहुव्रीही समास। पुस्तकालय में तत्पुरुष समास, दशानंद में बहुव्रीही समास, और त्रिलोचन में भी बहुव्रीही समास ही होगा।
त्रिलोचन में कौन सा होगा? बहुव्रीही समास। कमल नयन कर्मधारय समास, कौन सा समास? कर्मधारय समास, कमल नयन कर्मधारय समास। अन्न जल में द्वंद्व समास, अन्न जल में द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी में द्विगु समास, अष्टाध्यायी में द्विगु समास, अष्टाध्यायी में द्विगु समास और अन्न जल में द्वंद्व समास। यथासमय, यथासमय में हो जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। भरपेट में अव्ययी भाव समास, भरपेट अव्ययी भाव। प्रभु बहुव्रीही समास का उदाहरण है चतुर्भुज, याद रखिएगा चतुर्भुज। इस समास में पहला पद संख्या वाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। कौन सा? अव्ययी भाव। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अजात शत्रु में कौन सा समास है? बहुव्रीही समास है। वाचस्पति, वाचस्पति किस प्रकार का समस्त पद है? बहुव्रीही समास का। गंगा जल शब्द में समास का भेद है तत्पुरुष समास। सतसई शब्द में समास का भेद है द्विगु समास। भरपेट में समास बताएं अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे का समास है अव्ययी भाव समास। कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? बहुव्रीही समास। चक्रपाणी चंद्रभाल सुलोचना में क्रमशः समास है। चक्रपाणी बहुव्रीही समास, सभी बहुव्रीही। चंद्रभाल सुलोचना सब बहुव्रीही समास है। पंचानन ये बहुव्रीही समास है, पंचानन बहुव्रीही समास है। सरासर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। त्रिवेणी में शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्विगु समास, त्रिवेणी में द्विगु समास है। धीमा सा बहुव्रीही समास है, कौन सा समास है? बहुव्रीही समास है। चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा में समास कौन सा है? द्विगु समास है। युद्ध में स्थिर रहने वाला उल्लुक तत्पुरुष है, उल्लुक तत्पुरुष है। किस समास का विग्रह? उल्लुक तत्पुरुष। निम्नलिखित कौन सा बहुव्रीही समास का उदाहरण है? दशानंद। पथभ्रष्ट तत्पुरुष समास है, तत्परस्त तत्पुरुष समास है। अष्टाध्यायी द्विगु समास है। कौन सा कर्मधारय समास है? नीलगगन, नीलगगन क्या, नीलगगन क्या है? कर्मधारय समास। देव जो मानव है वह किस समास का उदाहरण है? देव मानव है, देव जो मानव है किस समास का उदाहरण? कर्मधारय समास का। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से पहले को दूसरे को सुमेलित कीजिए, सूची वन सूची टू को मिलाइए। देखिए पहला विदेश गमन, विदेश गमन क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। गिरिधर बहुव्रीही समास। देश विदेश द्वंद्व समास। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। साधारण समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? प्रिय सखा, क्या है? प्रिय सखा। कर्मधारय समास का उदाहरण प्रिय सखा है। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। मुंबई में गगनचुम्बी इमारतें बहुत हैं रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी में समास है? तत्पुरुष समास।
शास्त्र प्रवीण विद्यालय, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने वाले करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास में कौन से शब्द हैं? शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन सा है? शास्त्र प्रवीण। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है पल पल। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विग्रह। क्या कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है। अलग करने को क्या कहा जाता है? अलग करने को कहा जाता है विग्रह। विग्रह कहा जाता है। निम्न शब्द के लिए प्रयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, सुख दुख द्वंद्व समास है। कौन सा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? बीड़ा पाड़ी। कौन सा आता है? बीड़ा पाड़ी। कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? विद्या अभ्यास में। प्रिसखा होगा कर्मधारय समास, नीलगाय होगा, कृताकृत होगा। ये सब क्या है? कर्मधारय समास है। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? आसातीत। पंचानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तत्पुरुष समास। सही शब्द में समास का भेद है द्विगु समास। धीरे धीरे का समास है अव्ययीभाव समास। जब शब्द रिपीट करता है तो वह अव्ययीभाव समास होता है। जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं वो होता है बहुव्रीहि समास। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। जलधि में है तत्पुरुष समास। जलधि में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। योगदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। देव जो महान है वह, यह किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास। परमानंद में समान है परमानंद। कर्मधारय समास याद रखिए। कौन सा समास नहीं है? कर्मधारय समास। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह कहलाता है द्विगु समास। महाजन शब्द में समास है कर्मधारय समास। महाजन कर्मधारय समास। बारहसिंगा शब्द में समास है बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेत पत्र। इनमें से कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है तो वहाँ होता है बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे कहते हैं जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पीताम्बर पद में समास है बहुव्रीहि समास। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। कौन सा बनता है? कर्मधारय। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए अव्ययीभाव समास। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ। रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का। कर्मधारय समास का। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा है?
तत्पुरुष समास, तिरंगा में कौन सा समास है? द्विगु समास। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समान नहीं है? धर्म भ्रष्ट। नीलांबर शब्द में कौन सा शब्द है? कर्मधारय समास। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। वचनामृत समस्त पद का विग्रह है, वचन रूपी अमृत। कृताकृत में समास है, कर्मधारय समास। भरपेट में समास है, अव्ययीभाव समास। कौन सा अव्ययीभाव समास? जिस सामाजिक पदों को पहला पद संख्या को व्यक्त करता है, करने वाला विशेषण होता है, उसे कहते हैं द्विगु समास। राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में तत्पुरुष समास है। यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। प्रत्यंग प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव समास का। यथासंभव कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास का।